नमस्कार जी, स्वागत है आपका आपके चैनल पे जिसका नाम है हिमाचली ब्लॉगर सरोज। तो डियर फ्रेंड्स, आज है संडे और संडे को जो है काफ़ी काम ऐसे होते हैं जो हम संडे के दिन ही निपटा लेते हैं। जैसे अभी हम लोग आए हैं सब्जी मंडी, तो वैसे तो बाहर भी सब्जियां मिल जाती है, लेकिन सब्जी मंडी में जाके ऐसा रहता है ना कि आपको जो है मतलब सारी चीज़ें वहीं पे मिल जाती है, सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह आप सारी चीज़ें इकट्ठी वहां से ले सकते हो। तो बस हम भी संडे के दिन जो है सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह लेके रख लेते हैं, क्योंकि हस्बैंड ने फिर ऑफिस जाना होता है, गर्मियां हैं, शाम के टाइम भी थक जाते हैं तो इतना ज़्यादा निकला नहीं जाता है। तो सारा कुछ जो है यहाँ पे जो है अवेलेबल था, और कच्चा पपीता भी हमने देखा, तो कच्चा पपीता मैं लेके आई हूँ। आगे जब भी मैं बनाऊँगी तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। इसके पराठे बहुत अच्छे बनते हैं कच्चे पपीते के। और भाई, आम का सीज़न है तो हर जगह आम ही आम दिखते हैं, और क्या क्या लेके आए वो आप देख ही लेंगे जब मैं घर में पहुँचूँगी। तो तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं घर। हाथ अच्छे से हैंड वॉश करने के बाद जो है, पानी वगैरह पीने के बाद जो है, ये काम भी जो है एक टास्क हो जाता है कि जो भी चीज़ें लाई है उनको समेट के अच्छी तरह से रखना। तो बस यहाँ पे जो पहले तो जो धोने वाली चीज़ें हैं, धोने वाली क्या सारी धो के रखनी है, तो सबको जो है मैं निकाल लूँगी और अच्छे से फिर धो के जो है इनको इनकी जो जगह है वहाँ पे पहुँचा दूँगी। तो सारी सब्जियों को जो है धो के छन्नी वाली बास्केट में रख दिया था थोड़ी देर के लिए। जब वो सूख गई तो मैं उनको जो है अभी रख रही हूँ फ्रिज में। और फ्रिज में ना कुछ पुरानी सब्जियाँ भी थी, तो उनको निकाल के मैंने मतलब पहले नई सब्जियों को रख दिया और ऊपर से फिर पुरानी को रख दिया जो एक दो थी, क्योंकि पहले वही बनेंगी फिर बाद में जो है नई का नंबर आएगा। और बस संडे के दिन जो है ना ये फ्रिज फुल हो जाता है, और जब खाली होता है तो हम इसको बहुत ही अच्छे से जो है क्लीन कर लेते हैं। संडे के दिन ये काम हो जाता है। और हरा धनिया भी मैं लेके आई थी। हरा धनिया ना मैं ये देखिए जड़ों के साथ और मिट्टी के साथ लेके आई थी। तो जब हम शिमला में रहते थे ना, मैं अपने पापा के साथ, डैडी मम्मी के साथ रहती थी, तो डैडी ना इस तरीके से पानी में डाल के जो है धनिया को रख देते थे। लेकिन वो धनिया जो है काफ़ी दिनों तक हरा ही रहता था, बस पानी बीच बीच में चेंज करना होता था और धनिया वैसा का वैसा ही हरा रहता था। तो यहाँ तो आदमी उबल रहे हैं तो धनिया के पता नहीं क्या हाल होंगे। थोड़ी देर के लिए मैंने इसको रखा है, फिर मैं इसकी पत्तियों को तोड़ के जो है एयरटाइट डब्बे में फ्रिज में रख दूंगी। तो अभी जो है सुबह के मैक्सिमम काम जो है मेरे फिनिश हो चुके हैं, यानी कि जो भी सब्जियाँ वगैरह लाई थी वो मैंने जो है रख ली है, मतलब धोधा के फ्रिज में रख दी हैं। बाकी झाड़ू पोछा और कपड़े भी धुलने को थे वो भी मैंने धो के जो है सूखने के लिए डाल दिए हैं। तो ये है कि मैं अभी जो है फ्री हो चुकी हूँ। फ्री बस ये है कि अभी लंच बनाना है। और आज मैंने अपने बालों में लगाई थी मेहंदी, तो ये देखिए आप मेहंदी वैसे दिख रही है। मेहंदी भी जो है मैंने बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया था, और उसकी वजह से जो है मेरे बाल जो है बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। वैसे भी मेरे बाल जो है बहुत ज़्यादा सिल्की और शाइन करने वाले हैं, अच्छे लगते हैं बाल। बस ये है कि आजकल ना थोड़ा जो है पतले हो गए हैं, और नई जगह आने से जो है झड़ भी बहुत रहे हैं, तो शायद पानी की जैसे पानी वगैरह चेंज होता है तो हो जाता है। और यहाँ का पानी शायद हार्ड भी बहुत है, इसलिए जो है बाल काफ़ी ज़्यादा जो है झड़ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ इनके लिए, इन झड़ने से रोकने के लिए जो है कुछ ना कुछ अभी मैं अपने बालों में अप्लाई जरूर करूंगी। और अभी जो है आज संडे स्पेशल में क्या बनेगा, तो वो आप चलिए मेरे साथ किचन में, तब आपको पता लग जाएगा। तो अभी चलती हूँ मैं किचन में। तो यहाँ हम सुबह लेके आए थे पालक, तो मैंने सोचा फ्रेश फ्रेश इसको जो है बना लेती हूँ। और यहाँ आप देख रहे हो थोड़ा सा पानी मैंने कढ़ाई में डाला है, और उसमें डाल दी है मैंने पालक की दोनों ये गुच्छियाँ।
तो थोड़ा सा पानी मैंने इसलिए डाला है कि जो मैंने पानी डाला है ना उसको ही मैं फिर ग्रेवी में जो है इस्तेमाल कर लूँ। बहुत ज़्यादा हमें इसको जो है बॉईल नहीं करना है, जैसे ये उबलने लगे ना थोड़ी देर के लिए जो है इसको ढकना है, मतलब एक उबाला हमें इसको दिलाना है इस तरीके से। ये देखिए पानी भी उतना ही है और पालक जो है हमारा उबल चुका है। और अभी मैंने कर दिया है गैस को बंद और इस पालक को मैंने निकाल दिया है बाउल में। और यहाँ पे मैंने जो है जो पालक पनीर के लिए जो हमें मसाला है ना वो मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है। नॉर्मली जैसे आप लोग रेडी करते हो उसी तरीके से मैंने भी रेडी किया है। और बस ये है कि लहसुन और अदरक को जो है ना मैंने ऊपर से डाला है ताकि जो पालक की खुशबू है और लहसुन और अदरक की खुशबू है वो जो है फिर जो है बहुत ही अच्छी आएगी। और यहाँ पे जो है ये मसाले को रेडी करने के बाद यहाँ पे देखिए पालक को भी मैंने इस तरह से जो है पीस लिया है और पनीर को भी कट कर लिया है। तो आप चाहें तो पनीर को फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बिल्कुल फ्राई नहीं करने वाली हूँ, मैं डायरेक्टली इनको ऐसे ही डालूंगी। और यहाँ पे जैसे ही मसाला बनके रेडी हुआ मैंने इसमें डाल दिया ये पालक। तो अभी ये बहुत ज़्यादा हरा हरा ही लग रहा था पालक, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने इसको जो है बॉईल नहीं किया था, बस एक ही उबाला दिलाया था और जो है और ताज़ा था, तो इसलिए जो है इसका कलर कुछ ज़्यादा ही डार्क लग रहा था। लेकिन बाद में जो है मसाले में मिक्स होने के बाद जो है इसका कलर बहुत ही अच्छा आ गया था। तो उसके बाद जो है मैंने इसमें ऐड कर दिया पनीर और बस अभी जो है थोड़ा अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है ढककर थोड़ी देर के लिए हम इसको पकाएंगे। तो यहाँ पे पालक पनीर बनके रेडी हो गया है। साथ में जो है मैंने चावल बनाए थे और चपातियाँ बनाई थी। तो यहाँ पे जो है हमारा लंच बनके रेडी हो गया है और अभी मैं लगा लेती हूँ पानी। तो ये देखिए यहाँ पे जो है चावल बने थे और यहाँ पे जो है प्लेन राइस बने थे। और बहुत सारे लोगों को पता होगा कि हिमाचल में जो है ना एक टाइम चावल बनते ही बनते हैं, और भाई हिमाचल में नहीं है तो क्या हुआ है, तो हिमाचली ही ना जहाँ भी जाएंगे आते तो नहीं बदलेगी। तो अभी हम लोग कर लेते हैं लंच, आप लोग भी हमारे साथ लंच कर लीजिए। और खाना वगैरह होने के बाद जो है यहाँ पे अभी जो है आपको पता ही खाना खाने के बाद जो है ये ही काम रह जाता है, तो ये भी साथ के साथ ही निपट जाए ना तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे बस बर्तन वगैरह मैं वॉश कर लूँगी। लंच करने के बाद थोड़ी देर हम लोगों ने रेस्ट किया और बस उसके बाद जो है हम निकल गए फिर से घूमने के लिए। तो यहाँ घूमने तो नहीं, वैसे जा तो काम के मोस्टली काम के पर्पस से ही थे, क्योंकि हमें लेनी थी बेबू की यूनिफॉर्म, स्कूल उसके जो है अब खुलने वाले हैं तो अभी हम नई जगह आपको पता है शिफ्ट हुए हैं, तो यूनिफॉर्म वगैरह जो है अब सब नई होगी, तो बस यहाँ वही लेने हम लोग आ गए थे। तो अभी हमने यूनिफॉर्म वगैरह ले ली है और ये देखिए आप, ये है यहाँ के बाहर जो भी मार्केट है वो उसका व्यू, इवनिंग व्यू। डियर फ्रेंड्स, अभी वीडियो की एंडिंग भी मैं यहीं पे कर दूंगी। आई होप आपको जो है मेरा ये संडे का व्लॉग अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेल आइकन के साथ। बेल को कीजिएगा ऑल पे सिलेक्ट, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले, आपको मेरा चैनल सर्च ना करना पड़े। तो अभी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर लवली सपोर्ट। बाय बाय।